हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल पफ स्लीव्स का डिज़ाइन एंड बहुत ही सिंपल एंड बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है बस ये पफ स्लीव्स आपकी बनके तैयार होगी तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा सो so, गेज़ यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है आप फोर फोल्ड फैब्रिक ले लें एंड इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे पैंतीस इंच के करीब ली है एंड चौड़ाई मैंने नौ इंच के करीब ली है तो आपकी इसकी लंबाई जो है आप अपने अकॉर्डिंग ले लें मैंने ज़्यादा ही रखी है क्योंकि मुझे इसमें गैदर ज्यादा चाहिए तो मैंने यहाँ सबसे पहले 12 इंच में मार्क किया है एंड 12 इंच में मार्क करके एक लाइन को ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से तो इतनी लंबी हमारी स्लीव्स होंगी तो ये स्लीव्स की लेंथ है मेरी उसके बाद मैं यहीं से सेवन इंचज पर मार्क करूंगी अपने आमूल की उसके बाद तीन इंच पे इस तरीके से गहराई पर दूंगी मैं एंड एक शेप दे देंगे अपनी स्लीव्स का जैसे भी आप नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं इस तरीके की आप मार्किंग कर लें तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स की शेप दे दी है उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की साइड से मोरी का मार्क करना है तो मैं सात इंच पे मार्क करूंगी एंड एक स्लांट सी शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से एंड इस पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है गाइज देख सकते हैं अब जितना भी आपका ऊपर की साइड का फैब्रिक बचा हुआ है उसमें से हम गैदर्स डालेंगे तो उसकी कटिंग थोड़ी कुछ इस तरीके से होगी तो आपको कुछ इस तरीके से इसमें शेप देनी है जिस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है सो तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसकी शेप दी है उसके बाद आपको अंदर की मार्किंग को कटिंग नहीं करना है बाहर की जितनी भी मार्किंग है उसको आपको कटिंग कर लेना है तो इसका जो आमूल है वो इतना ही बड़ा कटेगा एंड बहुत ही ब्यूटीफुल ये स्लीव्स लगेगी सीरियसली गाइस जब मैंने अपनी शर्ट पे इसे वेयर किया था इस स्लीव्स को तो हर किसी ने मेरी स्लीव्स की तारीफ़ करी थी एंड बहुत सारे लोगों ने इस स्लीव्स को बनाया भी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का इसका लुक आएगा बिल्कुल सिंपल स्लीव्स मैंने आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ एंड बहुत ही आसान तरीके से उसके बाद बीच में आपको इस तरीके से कट लगा देना है कट लगाने के बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे आपने कट लगाया था वहाँ से आपको प्लेट्स डालनी स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे मैं कट के ऊपर इस तरीके से एक प्लेट्स डालूंगी सबसे पहले उसके बाद एक और पिन से सिक्योर कर लूँगी आप चाहे तो सिलाई भी करते चले जाएँ इस पर उसके बाद मैं दूसरी प्लेट्स डालूंगी कुछ इस तरीके से तो दोनों जो प्लेट्स हैं वो आपस में फ़ेस करनी चाहिए ये देख सकते हैं आप तो आप पहले इधर की एंड दूसरी बार दूसरी तरफ की इस तरीके से दोनों को तरफ आपको प्लेट साथ साथ डालनी चली जानी है तो यहाँ पे आपकी एक साइड जितनी भी प्लेट्स होंगी दूसरी साइड भी सेम प्लेट्स होनी चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैं एक साइड की प्लेट्स डाल रही हूँ उसके बाद दूसरी साइड की प्लेट्स डाल रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक आया था सीरियसली बना के ज़रूर देखिएगा एंड उसके बाद आप कमेंट करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज यहां पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं प्लेट्स डाल रही हूं तो यहां पे आपको इतने प्लेट्स डाल देने हैं कि आपका जो आमोल है वो आपकी शर्ट में आराम आम से आ जाए ये जो आमोल आपका है लंबा सा इसको आपको इतना कर लेना है कि आपकी शर्ट के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए ये सो so गईज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी पे प्लेट्स को डाल दिया है तो यहाँ पे आप इस तरीके से मेजर कर सकते हैं तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल एकूरेट आमोल आ रहा है उसके बाद आपको क्या करना है इसमें आपको स्टिचिंग कर लेनी है इन सभी प्लेट्स पे अगर आपका आमूल बड़ा या छोटा है तो आप इसमें प्लेट्स और ऐड कर दें एंड अगर आपका आमूल छोटा आ रहा है तो आप इसे खोल लें एक एक, देख दो प्लेट्स को आप खोल सकते हैं एंड उसके बाद ये एडजस्ट कर लें आप अपने आमूल पे स्लीव्स को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं इन प्लेट्स के ऊपर सिलाई लगाती जा रही हूँ सो गाइज यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट्स पे इस तरीके से स्ट्रेचिंग कर ली एंड इसका लुक आप देख सकते हैं उसके बाद जो नीचे की किनारी है मैं उसे फोल्ड कर दूंगी एंड जो हमने इसकी लेंथ ली ले थी वो सिर्फ एल्बो तक ली थी एंड इसका लुक बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल आया था लास्ट में मैंने इसके फाइनल लुक का पिक भी इस आपके साथ शेयर किया है सो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नीचे की किनारी को फोल्ड कर लिया है एंड इसकी जो प्लेट्स हैं वो आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा इसका लुक आ रहा है इन प्लेट्स का अगर आपका फ़ैब्रिक ज़्यादा होगा तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल इसमें लुक आएगा आपका तो ये मेरा ज़्यादा ही था आप इतना ही ले लें एंड उसमें भी आपका लुक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा सो so यहाँ पर आप देख ही सकते हैं प्लेट्स कितनी ब्यूटीफुल तरीके से आ रही हैं ये मेरा फाइनल लुक है इस शर्ट का सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग